अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज फिर हम लोग मवेशी मंडी पर आए, और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम आपको वीडियो दोबारा दिखाएंगे जानवर की ख़रीदारी के लिए। तो आज हमारे दोस्त और उसके कज़न वगैरह, भाई वगैरह आए हुए हैं जानवर ख़रीदने के लिए। तो मैं आपको ले चलता हूँ, जानवर दिखाता हूँ। ये देखें, इसका क्या मांग रहे? अगर दुम वाले दुम वाले का 85 हुआ। या दे दोगे कितने का फाइनल? आप बोलो वाली से। सही हम तो 40 देंगे। रहमत भाई, सलाम अलैकुम। रहमत भाई, आज आप मंडी में आए क्या जानवर खरीदने के लिए आए? अभी आप देख रहे हैं, यानी अभी पसंद कर रहे हैं, लेकिन रेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? रेट बहुत तेज, रेट बहुत तेज है भाई। आप भी आए मंडी? हाँ। अच्छा, ये हमारे रहमत भाई थे जो मंडी देखने के लिए आए और जानवर खरीदने के लिए आए, मगर रेट बहुत हाई है, रेट बहुत ज़्यादा हाई है। आपने कितना बताया? 75। फाइनल कितने का हो जाएगा? आप मांगोगे तो बात बनेगी ना। ये जानवर जो है 75,000 कह रहे हैं इसका। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखें, ये तो नाराज़ हो रही है, वीडियो नहीं बनाना चाह रही है। ये देखो वीडियो नहीं बनाना चाह रही है। अब हम जो हैं वो दूसरी जगह पर आए, दूसरे हिस्से पर, तो यहाँ से रेट पता करेंगे कि क्या हिसाब है। और रहमत भाई बहुत काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक इनको जानवर तो पसंद आ रहे हैं मगर कीमतें पसंद नहीं आ रही हैं। ये देखें माशाल्लाह जी, क्या खूबसूरत जानवर है। बाबा से लवा ले लो। फाइनल कितने पे छोड़ोगे? नहीं, रहमत की, रहमत भाई की बात सही है कि पानी वानी पिलाया हुआ टैट। ये भाई ये दूध खिला के लेके जा रहे। ये अभी की पसंद ही ऐसी होती है, अपनी तरह। क्या लगाओगे फाइनल? हाँ बोलो, आपने कितना बोला है? बहुत ज्यादा बोल दिया यार। कितना? 80 किलो। दोमन 42,000 रुपये भाई कह रहे हैं इसका। इसका 42,000 बोला, उसका जो है ये 38,000 बोला है। ये वाली 38। और ये जो गाय है ये इंजर्ड है, जख्मी है। ये देखो 42,000 बता रहे हैं, और इसका जो है 55 बता रहे हैं, और इसका जो है 42 बता रहे हैं। वो वाला लेके जाएगा, वो वाला 42 का। इसमें फाइनल कितने का कर देगा? बस क्या देगा बाबा, तुम्हारे हाथ में। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम बिस्मिल्लाह, सुबह से एक जानवर नहीं बेचा, आज देगा। सही मांगेगा, बिस्मिल्लाह करके देगा। एक ही दाम बोलो, बिस्मिल्लाह कर। फिर तो चारा खाएगा तो निकालेगा ना भाई। रेट ऐसा दे रहे हैं जो नाकाबिले कबूल है, बहुत महंगे रेट है।
भाई बोल रहे 4.5 मंदिर कितने का? तो प्यारे व्यूवर्स कमेंट्स करके बताएं क्या ये 4.5 मन का हो सकता है जानवर? मुझे तो नहीं लग रहा है। ये तो ढांचा है यार, बिल्कुल यार, बिल्कुल कमजोर सा यार। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत छोटी गाय हैं, लेकिन है बहुत खूबसूरती है। अभी भाई आपके आपको क्या मतलब, रेट ज्यादा लग रहे हैं या पसंद लग रहे हैं? माल इतने का नहीं है जितने ये लोग रेट मांग रहे हैं, इसी हिसाब से हम अपनी इनकम को देख रहे हैं तो बहुत काफी बड़ा। अभी आप तीसरे सेक्शन पे आए हो, ये इसका तीसरा सेक्शन है, रेट हम टच कर ले मगर रेट हमारे रेट से बाहर, जितनी हमारी रेंज है उससे ऊपर जा रहे। जानवर इतने का नहीं है जितने ये लोग पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, जानवर इतने का है नहीं जितने ये लोग पैसे मांग रहे हैं। महंगाई अभी इतनी भी ज़्यादा नहीं हो गई है कि छोटे छोटे बच्चों के 65,000 रुपये मांग रहे हैं। अगर ये पंजाब होता तो यकीनी तौर पर ये 20,000 से 25,000 के दरमियान आराम से इससे अच्छा जानवर मिल जाता। इतने छोटे से बच्चे का इन्होंने रेट दिया 42,000 का। अब बताओ व्यूवर्स क्या ये 42,000 का है? और बल आखिर एक जानवर लेने में ये लोग कामयाब हो गए माशाल्लाह। आगे जाओ ना। और हबीब भाई ने मैं खर से, हबीब भाई ये पसंद किए क्या आपने? अच्छा इसका क्या दिए? नहीं सही बताया, कितने लगाओगे मामा ये पता है क्या? ये और एक और ये पसंद कर रहे हैं, देखो क्या होता है ये देखें। लाल यार हम लोग ढांचा ढो, अरे ढांचा तुम जायज मांगो, अड्डी बांधो सामने आए हम तो अड्डी नहीं बांधो। देखो देख बसन तुम खुद बाबा दे, तुम अल्लाह नाम का नाम ले रहा है बात सुन। वायदा किसी दाम में आया नहीं बाबा, तुम्हारे लिए इज्जत आपको देगा ये वायदा है तुम्हारे साथ। तुम अल्लाह नाम में खाए आपका या जिस्म लाकर हमारा ना कभी हो जाए, बस हम इतना कह सकते हैं। और क्या यहाँ बहस हो रही है गाय का रेट कम करवाने के लिए, और व्यापारी जो है वो अपने रेट पर कायम है, और देखें इनकी बात बनती है नहीं बनती है। कबूतर और बल आखिर एक गाय लेने में ये लोग कामयाब हो गए। तकरीबन 45,000 की ली है इन्होंने। तो ये देखें वहाँ पे जाओ, ये देखें सब माशाल्लाह बहुत खुश हैं। ये लियाकत भाई का बेटा है, और ये हबीब लियाकत का भाई, और ये छोटा भाई आदिल, और ये इनका दामाद, और चाय भी आ गई माशाल्लाह से। अब पता नहीं कौन सी गाय को भैंस की चाय पिला रहे हैं, लेकिन ये ना गाय भी लग रहे ना भैंस की, वही हमारी कराची के होटलों की बनी हुई चाय। ये देखें
ये देखें तो ऊपर ही है। ये माल कहाँ से लाते हैं? ये भैंस अब वो जो भाई है वो गाड़ी वाला है वो कह रहा है कि 2500 रुपए में यहाँ से फरीद कॉलोनी का जो इलाका है बल्दिया टाउन का वहाँ लेके जाऊँगा औरंगी टाउन के साथ आटे तो इन्होंने जो है वो 1500 रुपए का रेट बनाया। बल आखिर ये गाय लेने में कामयाबी हासिल हुई तो इस तरह ये गाय को ऊपर चढ़ा दिया। काफ़ी ज़्यादा मंडी घूमने के बाद ये जो गाय आपको नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन के पीछे और बिलाखिर ये लोग कामयाब हो गए गाय लेने के लिए। अवान ब्लॉग से तारिक अवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।